तो देखिए ओवैसी जिस तरह से भड़काऊ बयान इन दिनों दे रहे हैं उसका जमकर के विरोध होना भी शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी के एक नेता ने सरकार से मांग की है कि ओवैसी को घर में नजरबंद कर देना चाहिए और इसके पीछे उन्होंने दलील भी दी है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला को बंद कर दिया गया था धारा 370 के बाद, उसी तरीके से क्योंकि ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं इस वक्त। रिपोर्ट। मुगलिया जहर उगले ओवैसी, मुसलमानों से कराएंगे महाभारत। घर में कैद हो ओवैसी, नफरती भाईजान पर बड़ी। ओवैसी का नाम आते ही जहर में एक ऐसा चेहरा कौंधता है जो मुसलमानों की भीड़ में हमेशा हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर उगलने का काम करते हैं। ओवैसी हिंदुस्तान में मुस्लिम सियासत का वो चेहरा बन चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध, सनातन विरोध के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कभी मुगलों के बहाने हिंदू धर्म और सनातनियों पर आक्रमण करते हैं तो कभी पीएम मोदी के बहाने ललकारने का काम करते हैं। इसीलिए अब यूपी के अमरोहा जिले के रहने वाले बीजेपी नेता आफताब आडवाणी ने मांग की है कि असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ बयानों के चलते घर में नजरबंद कर दिया जाए। आफताब आडवाणी ने एक वीडियो जारी करके अपनी मांग रखी है। देश में यदि हमें सुख समृद्धि चाहिए तो जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करते समय केंद्र सरकार ने उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे असामाजिक तत्वों को नज़रबंद किया था, उसी प्रकार असदुद्दीन ओवैसी को नज़रबंद किया जाए। अभी हाल ही में ओवैसी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान मुगलों के बहाने कहा था कि भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इसके साथ सवाल उठाते हुए कहा कि मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी, वो कहीं ना कहीं हिंदू या कहें सनातन धर्म की नारी शक्ति पर घटिया सवाल उठाने की कोशिश में थी। वो मुगल जितने बादशाह थे उनकी बीवियां कौन थी, किससे शादी की थी उन्होंने, क्या उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे? आप जाके पूछो औरंगजेब से मुझे क्या करना है। ओवैसी के इन्हीं भड़काऊ, जहरीली और मुगलिया सोच से बीजेपी नेता आफताब आडवाणी ने कहा कि क्यों ना जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मामले में जिस तरह से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गया था, ठीक उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी को भी नजरबंद किया जाना चाहिए ताकि देश में सुख शांति का माहौल बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।